जी वी आर लाइव नाउ, प्लीज गो अहेड। श्योर श्योर जी ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम फरादीन हजरात। अजीब सरकमस्टांसेस हैं जिनमें आपसे मुखातिब हूँ। पिछले दिनों एक अजीब सा इत्तेफाक भी हुआ, मैं इसे हसीन इत्तेफाक तो नहीं कहूँगा। मेरी दो किताबें छाया हुई, संकदा कंबोज और वेद नाम तेरे नाम, उसी रोज लॉकअप हो गया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन किताबों की अशात की वजह से लॉकअप हुआ, कि लॉकअप पूरी दुनिया में हुआ। और बहुत सारे दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि जी वो संगे मील का शोरूम तो आर्जी तौर पर बंद है, या उनकी तरफ से जवाब ये आता है कि जब कारोबार शुरू होगा तो फिर हम आपको किताबें भेज देंगे, तो हम क्या करें। मेरा ख्याल आप सब्र करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार जिंदा और सोबत बाकी, तो हम इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे और किताबों की सोबत जो है वो बाद में आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं, फोन भी करते हैं, और ये एक अजीब सा सवाल है कि जिंदगी कैसे गुजरते हैं। मैं समझता हूँ कि सारी हर बंदे पाकिस्तान में कम से कम स्क्रिप्ट एक ही है, यानी हर बंदा वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, यानी वो जो रूटीन है उसमें कोई फर्क नहीं। कि आप सब कैद में, अपनी मन मर्जी से कैद में है, तन्हाई में है, एक डेसोलेशन में है, एक एहतियात में है, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वालदैन के लिए आप सब इख्तियात कर रहे हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। चुनाचे सबकी स्क्रिप्ट है, तो मेरे पास भी वही स्क्रिप्ट है, उसमें कोई गैर मामूली चीज नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग इसको डेफिनेटली ये बला तो है, एक आफत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक इसका जो कह लीजिए क्रिएटिव पहलू है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है, मौजूदारों में हुई या बेबीलोन में हुई, मेसोपोटामिया में हुई, तो तब से लेकर अब तक आज तक पूरे कुर्रे अर्ज पर इस किस्म की वबा यकमुश्त नहीं फैली कि तमाम जितनी नेशनैलिटीज हैं वो अफेक्ट हो। यानी ये बड़ा यूनिक तजर्बा है, यानी लंदन में प्लेग फैलती थी, इंडिया में माता फैलती थी, वहां पे अफ्रीका में कोई ना कोई वबा आ जाती थी, लेकिन वो लोकल होती। चुनाचे ये पूरे कुर्राए अर्ज पर अगर एक आफत जो है वो नाजिल हो चुकी है, तो क्या ये एक यूनिक एक्सपीरियंस नहीं है कि यू आर गोइंग थ्रू इट? आप उस अहद में जिंदा है और जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्रिएटिव लेवल पे बहुत कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं सुबह सैर के लिए जाता हूँ यहाँ पे लोकली, क्योंकि बाहर पाबंदी, यहाँ तक के जो अखबार आता है वो मेरा बेटा सुमैर चिमटे से उठा के एक तरफ कर देता है, जब तक उसको आधा घंटा धूप लगवाते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसको छिड़काव करते हैं, फिर दो घंटे उसे गौर से देखते हैं कि इसके ऊपर कोई जरासीम तो नहीं बिल्कुल आ रहे, और फिर जाके नहायत एहतियात से मेरी खिदमत में पेश किया जाए। इसी तरह जो बच्चे हैं, जो पोते हैं मेरे, वो आते हैं और वो जाहिर है कि हम आदमी मिलाते, हम गले नहीं मिलते, हम एक दूसरे को चुनते नहीं है, तो वो कोनियों के साथ यूं यूं करके चले जाते हैं, यूं यूं करके, और जनाब वो जिस तरह पुतलियां होती हैं इस तरह तमाशा करके डांस करके चले जाते हैं। यानी जिंदगी जो है चेंज हो गई, जुग्राफिया भी चेंज हो जाता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये सारे मेरे देखे वाला इलाका था, पूरा सेक्टर जो था, एक एक इमारत को पहचान करता है, एक एक रास्ते को, लेकिन जब डेसोलेशन हो, वीरानी हो, तो जुग्राफिया तब्दील हो जाता है, आप उसमें गुम हो जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं लोग होते हैं, कि इधर से ये ट्रैफिक आ रही है, लेफ्ट से इधर आ रही है, यहाँ पे वो, ये सारे रेफरेंस पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। चुनांचे आप एक बिल्कुल अजनबी, नई और किसी हद तक हौलनाक दुनिया में मतलब आप चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। दूसरी बात ये एक मैंने नोट की, ये सड़क जो है ये वो बहुत तवील हो,
اگر وہ بالکل خالی اور ویران ہو تو اینڈ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈارکنیس میں اتر رہی ہے, فلاح میں اتر رہی ہے, دیٹ از دا اینڈ آف اٹ. لیکن اسی سڑک پر اگر ایک آدمی چل رہا ہو تو وہ لگتا ہے کہ وہ سڑک جل رہا ہے, وہ دھڑک رہی ہے, اینڈ یو کین واک آن اٹ. تو ویران سڑک بھی ایک ہال ہے جس کے اوپر اکیلے چلنا ہے جو ہے اٹس سم تھنگ انٹائرلی نیو. دوسری چیز جو میں نے محسوس کی, چیزیں غیر ضروری بہت ہیں. ہم جن چیزوں کو گلے سے لگائے ہوئے تھے کہ یہ چیزیں جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں, تو دیکھا گیا ہے کہ 90% ایسی چیزیں ہیں جو صرف عادت کے طور پہ ہم نے اپنائی ہوتی. اب میں یہ ایکسٹریم پہ تھوڑا سا جاتا ہوں. سوچو کہ آپ کو, میرا خیال ہے کہ دوستوں کی ضرورت کی بات نہیں ہے, کیونکہ دوستوں کے ساتھ آپ کیا ڈسکس کریں, وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے, دس نتھنگ نیو ٹو ڈسکس. تو وہ جو دل کا حال ہے وہ تو آتا ہے کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوں, کہیں لکھتے ہوں, کچھ منگنیاں ہوں, کچھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور اس کے بعد سوسائٹی میں اوور آل اب تاریں چوری نہیں ہونی بند ہو گئی ہیں کراچی میں. آپ کو پتا ایک ہفتہ ہوئی کسی نے کار نہیں چوری کی, تو مطلب ہے کہ کوئی ٹریفک کی وائلیشن نہیں ہو رہی. تو وہ جو ٹاکنگ پوائنٹس تھے جو درمیان میں ایک رابطہ تھا چیزوں کا, اسکینڈل کا بھی کہہ لیں یا ویسے ہی حال چال کا, تو ڈسکرپشن کا, وہ ختم ہو گیا. چنانچہ دوستوں کو جب ہم ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہم تھوڑے سے ایکسپیکٹ سے ہو جاتے ہیں کہ بھی کہنا کیا, وہی چیزیں ہیں جو کہنے والی, کیا کھایا, کیا پیا, صبح کدھر گئے, شام کدھر گئے, اور اس کے بعد آپ ٹیلیویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا ٹیلیویژن میں مجھے ایک عجیب سا تجربہ ہوا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں اب پتلیاں بیٹھی. اب آپ جانتے ہیں کہ پتلیوں کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پتلیاں خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اور وہ مجھے کیوں محسوس ہوا کہ سب نے دستانے پہنے ہوئے, جتنے اینکر پرسن ہیں نا انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں, اور وہ یہ پتہ نہیں یہ ویب کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہے کہ بھائی جو لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی رائے شاید نہیں رکھتے, کہیں نہ کہیں ان کی ڈور ہوتی ہے. تو تب اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوتے, تو وہ لگتا ہے کہ وہ جادوگرنیاں آتی ہیں اسٹیج پہ ویسٹ کی, انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوتے. تو ٹی وی جب میں دیکھتا ہوں تو میری نظر ان کے دستانوں پر ہوتی جو وہ گفتگو کرتے ہیں اس پہ نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں, یہ جو کوارنٹین میں آپ کے ذہن میں ایک فتور سا پیدا ہو جاتا ہے, چیزیں مختلف نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور میں ٹی وی کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, آپ بھی ٹی وی زیادہ نہیں دیکھتے, مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈیلی پتا ہو کہ فلاں کتنی ڈیتھس ہو گئی اور فلاں کتنا ہو گیا. بیسک فیکٹس آپ سب کو معلوم ہے کرونا کے بارے میں, کہ کرونا جو ہے آپ جب تک اس کی تلاش میں خود نہیں جاتے یہ آپ کی تلاش میں نہیں آتا. آپ احتیاط کریں تو انشاءاللہ بشرطِ زندگی, اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کرائسس سے گزر سکتے ہیں. لیکن یہ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, آپ کو اچھا ہوگا, ہماری وہ زندگی واپس نہیں آئے گی. یہ ایک اور دنیا ہوگی, اس میں روابط علیحدہ ہوں گے, اس میں رشتے داریاں علیحدہ قسم کی ہوگی, اس میں دوستیاں علیحدہ ہوں گی, اس میں سینٹیمنٹس اور محبتیں علیحدہ ہوں گی. جس طرح میری بیٹی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی رکھے, اس کی ایمرجنسی پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے امریکہ میں, وہ ڈاکٹر. تو میں نے ایسے ہی شکایت کی, میں نے کہا کہ یہ عجیب سا ہو گیا کہ میں اپنے بچوں کو گلے نہیں لگا سکتا ہوں, ان کو کیوں نہیں سکتا. تو اس نے ایک فکرہ کا جو میں نے نوٹ کیا اور میری کسی تحریر میں آئے گا, سوری میں ہاتھ لگا رہا ہوں, ہاتھ نہیں لگانا چاہیے آپ, یہ آج تک میں نے لگا دیا, ابھی بھی ہاتھ دھو کے بھی آیا. تو اس نے کہا کہ ابو یہ محبت کرنے کے دن نہیں ہے, محبت کو موقوف کرنے کے دن, کبھی اس کو سسپینڈ کر دیجیے. جس طرح فکشن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے بے یقینی اس کو سسپینڈ کر دیں, یہ فکشن ہوتی ہے. تو اسی طرح اس نے کہا کہ محبت کو بھی کچھ روز کے لیے سسپینڈ کر دیجیے, کیونکہ صحت جو ہے یہ تندرستی اس سے زیادہ بہتر تھی. اب باقی ایک اور بہت سی چیزیں میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں. مثلاً آج کل ٹیلیویژن پہ بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں جن کو میں تو کمی میں انہیں جانتا ہوں, اور وہ آپ کو سجیسٹ کر رہے تھے کتابیں کون سی پڑھیں.
और यकीन कीजिए कि वो किताब जब दिखा रहे होते हैं तो फिर यूं करके उसका टाइटल भी पढ़ के बताते हैं कि इसका नाम ये, और ऑब्वियसली वो अंग्रेजी की किताब होती है, उर्दू को तो नहीं ना वो मतलब उससे स्पेशल में फर्क पड़ता है, जब वो कहें कि हमने उर्दू भी किताब पढ़ी, तो वैसे तो वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ सकते ठीक तरह से, वो ये अलग बात है। लेकिन आई फील कि वहां पे वही लोग आने चाहिए जो अपने अपने शोबे में माहिर है। अब मतलब 5-6 का एक पैनल बैठा हुआ और वो डिस्कस कर रहे हैं कोरोना, अब उसमें एक आलमी दीन भी बैठे हुए और एक डॉक्टर हैं वो ठीक है, एक सियासतदान बैठे हुए, एक एक्ट्रेस बैठी हुई है, तो ये लोग कैजुअली उस चीज को देखते हैं, सिर्फ एक्सपर्ट जो है और वही आपको सही तौर पे बता सकता है कि आपने क्या करना है। और कोरोना की ये अच्छी बात है, ये सिलसिले में ये अच्छी बीमारी है, इसमें दो तीन ही परेजे हैं, ये कुछ लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, एहतियातें चंद एक हैं। जरूरी नहीं कि आप पहलों उनके बारे में लेक्चर सुनिए, तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि भाई लोगों ने ये तो कबूल कर लिया है कि मस्जिद अक्सा बंद हो गई है, खाना दावा या मस्जिद नबी जिसका मुझे भी दुख है, लेकिन ये अपनी मस्जिदें बंद करने पर थोड़े से तामल है इनका, तो हम हमारी तो आधी एनर्जी भी इस तरह चली जाती है ना लोगों को कन्विंस करने में कि जनाब आप ये कीजिए और ये कीजिए और ये कीजिए, और लोग पैंटी लगाना शुरू कर देते हैं पुलिस को। ये रवैये जाहिर है कि मुस्बत नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता, ये जरूरी नहीं है कि जब आफत बिल्कुल एकदम नाजुक हो जाए तो फिर आप सीखेंगे नहीं ये सारा कुछ सही किया जा रहा है। मैं अपनी आपको बताता हूँ कि मैं अभी लॉकडाउन ही शुरू हुआ था तो पार्क में मैं जा रहा था, तो एक नौजवान लड़के ने सलाम किया, मैंने वालेकुम सलाम, उसने हाथ आगे किया, मैंने कहा बेटे आजकल हाथ मिलाना जरा कम कर लो, तो नाराज हो, तो उसने कहा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ साजिश है, आपको नहीं पता। मैंने कहा बेटा इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एहतियात के साथ, इस्लाम हमें एहतियात ही मतलब करता है, तमकीन करता है। इसी तरह लोग मजहब के साथ जोड़ लेते हैं चीजें, विच इज टोटली इनकोरेक्ट। जब कोई भी आफत नाजिल होती है कोई भी, तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप केयर करते हैं, अगर आप इंटेंसिव केयर में एक मरीज वहाँ पे दाखिल है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप दरवाजा खोल के अंदर चले जाएं और फिर सब गप लगाने शुरू कर दें और ये कहें कि जी ठीक है, जो होना है वो डेफिनेटली होना है, लेकिन उस होने को हमें इन्वाइट नहीं करना चाहिए। ने कहा था बद्दू ने कहा कि जी मेरा तो ऊन गुम हो गया, अल्लाह के सहारे में छोड़ आया था, उन्होंने कहा पहले उसको फोन से बांधो उसके बाद अल्लाह के सहारे छोड़ो, तो हम पहले फोन था जो है उसके साथ हमें बंधना चाहिए एहतियात का जो फोन था। इसी तरह अब तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे लेकिन मेरा ख्याल है काफी बातें हो गई, एक दो चीजें और मैं करना चाहता हूँ कि एक बार मतलब किताबों की बात हुई, क्योंकि करना क्या है इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, तो मुख्तलिफ चीजें हैं ये अपने अपने शौक के मुताबिक, यानी ये जरूरी नहीं कि जो एस्थेटिक्स मैं रखता हूँ किसी और की एस्थेटिक्स एग्जैक्टली वही है, और ये भी जरूरी नहीं कि मेरी एस्थेटिक्स जो है वो बेहतर, हर एक ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारनी होती, लेकिन मैं तो क्योंकि जो कुछ जानता हूँ किताबों वगैरह के बारे में, तो किताबें ये है कि आप किताबें पढ़ें और उसमें कोई गलत की बात नहीं है, अगर खवातीन की जो लिखी हुई किताबें हैं ना वो भी पढ़ें क्योंकि वो तो बहुत अम्यूजिंग होती है, उनके नाम आपको पता है ना कैसे होते हैं, अगर टुकुना शुमुना और निकलना चाहिए तो वो आवाज उसका हमेशा होता है कि टुकुना जो है वो हाथ में जैनस का राजपैकेट लिए कमरे से बाहर आई और बरामदे में चलती हुई जाने की उदास होती है, ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है कि डुबूना हमेशा पता नहीं क्यों उदास हो जाती। फिर उसने देखा कि लान में बहुत से फूल खिले हुए हैं और उन फूलों में वो सारे फूल जमा होते हैं जो गर्मियों में भी खिलते हैं सर्दियों में भी खिलते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि होता है, और डुबूना ने फूलों को देखा और उदास हो गई और जाने की उदास हो गई। इतनी देर में छोटी आई बहन आई, उसने कहा भाई बाकी आपको पता है कि शगुन भाई जन लंदन से आ रहे हैं, तो बाकी फिर उदास हो गई, शगुन भाई जन बचपन में गए थे बचपन की मोहब्बत और उसके साथ ही बचपन की मोहब्बत, ये भी नावल जो होते हैं ये दिल को खुश रखते हैं,
मुझे एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा ज्यादा लगता है, और अगर वो आपको आपके पास हो तो टेलीविजन ड्रामे देख लीजिए, बेशतर उसी पैटर्न पे होते हैं। मतलब मैं साथ वाले कमरे में जाता हूँ क्योंकि हमारी जो क्वारंटीन है ना, मेरी अदालत अपनी स्टडी में, मेरी बेगम की उधर है, बच्चों के ऊपर है, वो इतना कंसर्न भी नहीं करेगा। हमें इंडिपेंडेंट दुनिया खिलाते हैं और हेलो हाय करके वही उसी तरह कोई के साथ नाम दुआ करके चले जाते हैं। तो मैं जाता हूँ तो टेलीविजन देखती थी कोई ड्रामा, तो मैं उसे तीन बातें हमेशा मैं कहता हूँ कि अभी तक उस ड्रामे में किसी ने कहा कि मैं तुमको तलाक दे दूँ, दूसरी बात किसी मर्द ने किसी खातून को थप्पड़ मारा, तीसरी बात ये कि क्या किसी सास ने अपनी बहू को रिच करने के लिए उसके सालों में नमक डाल दिया। और यकीन कीजिए कि हमेशा ही उसे एक ना एक बात जरूर होती सुना कि ये भी बहुत एंटरटेनिंग किस्म की चीज़ है। अगर आप टी वी ड्रामे देखें, कुछ लाइव सीरियल भी होते हैं, लेकिन इन दिनों सीरियल ड्रामे क्या देखिए। किताबों के हवाले से अब ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, क्योंकि फिर आप मैं इसको बहुत कोशिश रखूँगा अपने जॉब के मुताबिक किताबें पढ़िए, और उसमें जाहिर है कि उसकी भी हो सकती है बाद की किताबें भी हो सकती हैं। अगर आप सीर से रसूलुल्लाह सल्लम में दिलचस्पी रखते हैं और कौन मुसलमान ऐसा है जिससे नहीं दिलचस्पी, मार्टिन लिंक्स की किताब है, मोहम्मद सल्लम फ्रॉम द मोस्ट एंशिएंट सोर्सेज इस किस्म का। अच्छा, और उसके बाद मोहम्मद हुसैन हैकल की, ये सिर्फ दो मैं रेफरेंस देता हूँ, और भी बेशुमार ओरिजिनल जो है वो नई साल की है। तो आप अगर इसमें जाएंगे तो एक खास आप तमामियत महसूस करेंगे, आपके इजाफा होगा, इल्म में इजाफा होगा, और आप कुछ ना कुछ बेहतर इंसान दुनिया के बेहतरीन इंसान के बारे में बात करते हैं, तो आप में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए। बाकी शायरी जो है, शायरी में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, उसमें मैं कोई तकलीफ नहीं है, आपको कुछ भी पसंद हो, मुझे रंजित पसंद है तो मैं मुझे रंजित को पढ़ लूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा, आपको अगर शायद पसंद है मुझे भी पसंद है, तो इसी तरह करके शायरी भी। लेकिन फिक्शन जो है, तन्हाई की बेहतरीन साथी जो है वो फिक्शन, शायरी नहीं। शायरी एक बार दूसरे के बाद भी जाना में मुसरत के बाद आप पहले पड़ जाते हैं, जो मुसलसल एक अमल है तन्हाई के गुजरने का, वो सिर्फ फिक्शन में महसूस किया जाता है। और उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि जो फिक्शन राइटर होता है वो हमेशा तनहा होता है। शायरी जो है वो सरासर कहा जाते थे कि भाई वो तो हम जाल में बैठे बैठे कहीं लाहौर कराची का क्या मदद हो जाती, बल्कि दफा उन्होंने ये भी कहा था कि हम तो बुजुर्गान जाते हैं पत्ती वाले हो जाए। फिक्शन ऐसे नहीं होती, फिक्शन के लिए आपको एक तो अपना पिता मारना पड़ता है जाहिर, और एक बैठना पड़ता है तनहा। अब मैं अपनी मिसाल देना पसंद तो नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं फिक्शन राइटर हूँ, मतलब पिछले 50 बरस से मैं तकरीबन रोजाना 3 या 4 घंटे अपनी स्टडी से रुक करता हूँ तनहा होता, तो मुझे वो तन्हाई की आदत है। तन्हाई तन्हाई में लिखी गई तहरीर जो है वो ही तन्हाई को दूर करने में मालूम साबित होती है। तो मुझे ये भी पूछा गया कि आप तन्हा रहते हैं तो काम तो नहीं आ गए, तो उसका मैं यही जवाब देता हूँ कि मुझे तन्हाई की आदत है, इसलिए कि मेरे अंदर कुछ ऐसे ही कोई तन्हाई और एक डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन एक सैडनेस है शुरू से ना जी। ये मेरे लिए जो है तन्हाई ये एक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस में एक अजीबो गरीब फिनोमेना हो गया वो ये है कि आप जो नॉस्टैल्जिया पुरानी चीज़ों में, आप जानते हैं कि हम जैसे बाबे बहुत जोड़ने जाते हैं, जो जो खाने हमने खाए थे सवाल खाए थे, जो फिल्में हमारे जमाने में जो हो गए, ये जो कपड़े आप क्या पहनते हो बोस की, तो हमारे जमाने में आपको पता है कि सारी नॉस्टैल्जिया आपको मिलेगा, राइटर में भी मिलता है और लोगों में भी, लेकिन ये नॉस्टैल्जिया होता है 50-60 वर्ष बाद। इसमें जो स्ट्रेन से ना कि एग्जैक्टली वही नॉस्टैल्जिया 15-20 रोज की बात की, सिर्फ 15-20 रोज पहले जो वाकयात हुए हैं वो सारे नॉस्टैल्जिया में चले।
और अब आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि आपको याद है जब हम गाड़ी को हम बात करना करते हैं वहाँ पर क्या चलता आया कर सकता है उसके बाद क्या रेस्टोरेंट में जाते हैं क्या मिहारी थी क्या पाए थे वहाँ जिंदगी में कहते यानी ये फिनोमेना दिस इज ऑल्सो यूनिक कि नॉस्टैल्जिया जो परवरिश पाता है 50-60 बरस में वो 20-25 दिनों के अंदर अंदर आपके तन बदन में वो सराइव कर गया एंड यू फील कि यू आर लिविंग इन सम अदर टाइम और हमेशा ये कहते हैं कि उन जमानों में अब ये कहना शुरू करते हो जब उन जमानों में याद कौन से जमाने सिर्फ 20 दिन पहले तो बात हो रही थी किताबों की तो वो मैंने लाइब्रेरी में ये किताबें अंग्रेजी के इस्तेमाल है आप किसी भी फेमस बंदे को पामूक को ले लें या गार्सिया को ले लें या कुछ शराबों के ले लें अपना इसमें सारे को बहुत सारे ऐसे राइटर हैं अफ्रीकन राइटर्स को भी मिलते हैं इट्स वेरी स्ट्रेंज कि सिर्फ नाइजीरिया जो है उसमें अदब का इतना बड़ा जो कीड़ा है समझो फिक्शन का ड्रॉइंग का भी वहीं का लेकिन फिक्शन का इतना बड़ा जो कीड़ा है कि हमारे पाकिस्तान में उर्दू में नहीं चुनाचे एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर कीजिए उसके हवाले से किताब के हवाले दूसरी चीज जो है वो ऑब्वियसली म्यूजिक म्यूजिक में आप अपना सुनने ग्लोरी आदमी करता बंदा काफी लड़ी पर आंखों के हवाले से आंखों में वगैरह वगैरह बल्कि इन दिनों वो बड़ा चल रहा है कि इसमें भी अच्छी जरूरी दूजा लाते हैं नींद ने मार दिया आप मतलब एज क्योंकि बहुत खूबसूरत इसमें भी अच्छी जरूरी और चाहते हैं नींद नहीं है तो मुझे पता चला है कि ये शिव कुमार बटालवी था क्योंकि ऐसा नहीं था शिव कुमार बटालवी ये और ये तो मेरे लाइट मूड में हो गया कि अगर आपने लाइट किस्म की गाने सुनने हैं लेकिन ये एक और नादर मौका है कि आप क्लासिकी मौसीकी की करिए हमारी जो अपनी इस देश की क्लासिकी मौसीकी है उसके नज़दीक भी अब आप कभी इस तन्हाई में बड़े गुलाम देखने को सुनिए तो आप देखें कि या रोशन आ रहा देखने को सुन इसी तरह आप तो बाहर का जो क्लासिकल है उसको भी सुने वेस्टर्न भी क्लासिकल और इसी तरह ही में अगर आप बीथोवन का मूनलाइट सोनाटा सुने तो वो आपके घर पे खड़े हो जाए तो ये मौसीकी के नए प्रोडक्शन बहुत सारे हैं लेकिन अगर आप क्लासिकल मौसीकी के करीब होना चाहते हैं और ये नाकुल मौका है तो आप होकर देखिए तो सही कि किस तरह वो आपकी तनाई को कम करती है इस तरह मैं मेरा पहले गुफ्तगू करता ही चला जाऊंगा क्योंकि मुझे गुफ्तगू करने की आदत की है रुकी और दूसरा मेरा ख्याल है कितने दिनों के बाद मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला है और ऐसे लोगों से जो बुनियादी तौर पर मेरे पढ़ने वाले जो हैं उनसे उपस्थिति रखते हैं मेरे लिए जो आगो भी रहते हैं तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बोल गया तो अगर कुछ सवाल हैं याद तो आप लेकिन आखिर में इसके आखिर होगा मैं आपको गुलजार की कहूँगा जी नहीं मैं आखिर में सुनाऊंगा ठीक है सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस एक्चुअली काफ़ी हमें सवालात मौसूल हुए हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि यू नो जितने भी हम पूछ सकें सबसे पहला सवाल आई थॉट दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग नाहिद मुआज साहिबा पूछ रही हैं इनका पहला सवाल है कि सर क्या आपको पास्कल कभी याद आती है ये कैसे दिनों में आपने पास्कल की बात की ये तो मेरी स्टडी है मैंने एक अजीब अजीब बात मेरे पास बाकायदा परंदे थे फोटो एल्बम के पुराने जमाने में वो पुराने जमाने जब हम हुआ करते थे तो इस तरह कंप्यूटर पे तस्वीरें नहीं सेव होती थी फोटो एल्बम पे होती या उसमें रखे तो वो मैंने ढेर लगा तो वो मैं माजी में चला गया और जाहिर है माजी में जितने भी लोग थे जो एक्सपीरियंस है उनको मैं जिंदा कर रहा हूँ और ये बड़ा दुख हुआ है तो जाहिर है पास का लिखवाना था बेहतरीन इसके अलावा कई लोग ये पूछना चाह रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम मल्टीपल पीपल सो आई वॉन्ट टेक एनी पर्टिकुलर नेम कि आर यू वर्किंग ऑन योर ऑटोबायोग्राफी
یہ بہت مرتبہ مجھ سے سوال ہوا اور اس کا بڑا سادہ تھا جواب, اور وہ یہ ہے کہ میرے 30-40 میں سفر نامے دوسروں کے ساتھ آٹو بایوگرافی کر نیچرلی وہ میری کہانی ہے نا, اب ان کو میں نے دوبارہ تو ریلیٹ نہیں کر سکتا. نمبر ون میرے جتنے ناولز ہیں کہ میں ہیولی ڈرا کرتا ہوں اپنے ایکسپیرینس جن لوگوں سے میں ملا ہوں, جن سچویشن میں سے گزرا ہوں, مطلب بیروت کی سول وار ہے یا 47 کی پارٹیشن ہے یا جو بھی اس طرح جو میرے تجربے ہیں, میں ان کو ان کے اوپر بہت ہیولی انحصار کرتا ہوں اور ان کو ڈپلائٹ کرتا ہوں اپنے ناولس میں. اسی طرح میں ذاتی زندگی کے بھی بہت سارے حصے میں نے یوٹیلائز کیے ہیں, مگر فضل و خواہشات زمانے میں جو امیر بخش کا کیریکٹر ہے وہ بنیادی طور پہ میرے والد کا ہے, اور میں نے اپنے والد کو یہی بیان کیا تھوڑی اور تبدیلی کے ساتھ, اور اسی طرح اور بھی اس میں کیریکٹر ہیں, ٹو کیریکٹر. چنانچہ میں نے اپنی حیات کا اور ذاتی حیات کا 90% ہو سکتا ہے 100% بھی ہو جائے, وہ سارا کچھ میں بیان کر چکا ہوں اپنے ناولوں میں اور اپنے سفر ناموں میں, اس لیے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ ان کو میں دوبارہ لکھوں سب چیزوں کو. البتہ یہ ہے کہ آپ بیتی جو ہے اس میں میں اپنے کنٹمپریریز کے بارے میں بھی نہیں لکھنا چاہتا, کیونکہ آپ کو پتہ کہ مطلب کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا, اور مطلب سب جاتے ہیں پانبڑ بالتا ہے تو پانبڑ تو بولے گا, تو میں اس عمر میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ آدھے سے زیادہ جو ادیب حضرات ہیں یا جو بھی ہیں یا ان کے لواقین ہیں وہ میرے مطلب دروازے پہ جمع ہو کے نالے وغیرہ لگا رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس عمر ملک میں آٹوبایوگرافی لکھنا اور درست لکھنا یہ آلموسٹ ایک ناممکن اٹس ناٹ پاسبل معاشرے کی وجہ سے, کیونکہ جو اس نے لکھا تھا روسوں تو اس نے اپنے اس کے آواز میں لکھا تھا کہ آٹو بایوگرافی اس کی جو ہے کہ میں جیسا بھی نہ ہوں اور بہت بے ترتیب اور فرودہ قسم کی زندگی پتہ لگتی تھی کہ اس کے آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ کم از کم جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے میں جتنا برا دیتا ہوں لیکن یہ دیکھ کہ میں نے دنیا سے اپنی کوئی برائی نہیں چھپائی, میں نے اپنے آپ کو عیاں کر دیا. یا تو پھر لکھے آدمی کو اس طرح لکھے, اور اگر اگر وہ نہ لکھے چنانچہ میرا کوئی خیال فلاسفیکل لیول پہ یا مسٹک لیول پہ کوئی چیز, لیکن میں وہ کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتا, مجھے مختلف کتابوں میں کچھ پورشن اس طرح کے مل جائیں گے, نچے فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں کتاب سے کر سکتا ماشاء اللہ ہو گیا ہوں, تو یہ میرے کتابیں ہی آگے بڑھ جاتی. محمد احسن صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ نے جس طرح یو ریٹن ناولس, کچھ ایسے ناول ہیں جہاں پہ آپ نے اس جگہ کو وزٹ نہیں کیا ہوتا لیکن آپ نے اس کا پس منظر بہترین کھینچا, تو منطق تیر جدید جو آپ کا لیٹسٹ ناول ہے, کیا اس میں آپ ٹلا جوگیاں پہلے جا چکے تھے اور اس کے بعد وہ ناول تحریر ہوا, یا ناول لکھنے کے بعد آپ کو جانے کا موقع ملا, اور اگر بعد میں گئے تو وہ فرق کیا تھا؟ کہ ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو کریٹو شخص ہوتا ہے, اور آئی سپوز آئی ایم کریٹو سرٹن ایکسٹینٹ, وہ اپنی کائنات خود کریٹ کرتا ہے, اور وہ جو کائنات اس نے نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی اپنی فینٹسی اور اپنے علم اور اپنا جو میدان ہے اس کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے, اور اس میں اور اس میں یعنی جو اس نے کریٹ کی ہوتی فینٹسی نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ جو اس نے امیجری کریٹ کی ہوتی ہے اور جو اوریجنل ہوتا ہے اس میں ان 19-20 کا فرق ہوتا ہے. مثلاً حیرت انگیز بات یہ کہ بہاؤ جیسا جب میں نے ناول لکھا
اگرچہ میں گھاگرا کے کچھ جو ہے درگاہ وہاں پہ گیا اور بھی جگہوں پہ گیا, ہڑپا بھی گیا, لیکن میں نے مونجو دارو نہیں دیکھا اسے. اور اس میں مونجو دارو بڑا مین کریکٹر ہے وہاں پہ, لوگوں کی زندگی بیان کی گئی ہے, اور وہ سارا اسی طرح ہی تھا کہ میں نے وہ ویژولائز کیا, تاریخ پڑھی ہے, بعض ان لوگوں کا لباس ٹائر کیسا وغیرہ وغیرہ. مونجو دارو کے بارے میں میری ایک کہانی بھی ہے, 15 کہانیوں. تو خیر جب میں اوریجنل مونجو دارو بعد میں دیکھا تو مجھے یہ نہیں لگا کہ میں ایک عجیبی شہر میں آیا ہوں, مجھے یہ لگا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں. وہ مجھے شناسا لگے گلیاں جو تھی اور وہ ٹبے پیلے, اور ایٹ ٹائمز آئی فیلٹ کہ یہ زندہ ہے شہر اور میں ایک زندہ شہر میں گھوم رہا ہوں. اور جو فرق جو مجھے ایک واضح جو فرق تھا جس سے وہاں فرق نہیں پڑتا تو آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, وہ یہ کہ مونجو دارو بنیادی طور پہ جس طرح پیٹرا کو کہتے ہیں نا روز ریڈ سٹی, اسی طرح مونجو دارو جو تھا کیونکہ اس کی اینٹیں پرانی تھی بول رہے ہیں کہ اس میں صرف سفوف نکلتا ہے, تو بیسیکلی وہ اٹس اے ریڈ سٹی, یہ مجھے نہیں پتا. اسی طرح ٹلا چوگیا کے بارے میں میں نے بہت کچھ پڑھا اور احمد الطیب جدید لکھا, اور اس کے بعد میں گیا ہوں تو وہاں پہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ ویسا ہی تھا, لیکن ایک دو چیزیں ایسی تھیں جو اگر میں پہلے چلا جاتا تو اس میں شامل ہو سکتی تھی. مثلا میں نے ٹلا جوگیا میں زندگی میں پہلی مرتبہ جو وائلڈ مور ہوتے ہیں جنگلی مور وہ میں نے گھومتے تھے. اب ویسے تو تھر میں بھی ہیں مور, مندروں میں رہتے ہیں وہ, گاؤں میں رہتے ہیں, لیکن وہ جنگلی نہیں ہے, زیادہ تر پالتو ہیں یا ان علاقوں کے جنگلی مور میں نے پہلی بار دیکھا. دوسرا یہ تھا کہ اس میں بہت ساری عمارتیں ہاف دفن تھی زمین کے اندر, اور زمین کے اندر وہ پتا نہیں کیا کیا دفن ہو گیا تھا. چنانچہ یہ فرق, تو میرا خیال ہے میں نے جواب دے دیا اور میں نے مان لیا کہ میں اپنی فینٹسی خود کریٹ کرتا ہوں, دنیا کو کریٹ کرتا ہوں. لیکن مثلاً خزوخا شاہ زمانے میں ایئرپورٹ تارا ہے یا دنیا پور ہے وہ ریئل جگہ ہیں, ایک گرکڑ منڈی ہے اور ایک میرا آبائی گاؤں جو ہے دیپالی ہیں, ان کے نام میں نے قبر دی ہیں تاکہ اس میں پرابلم. تو دیٹس گیٹ سیگمنٹ ٹو دا نیکسٹ کوشچن, کہ ہمارے ایک ریڈر نے سوال بھیجا ہے, ہمارے دوست بھی ہیں انیک چیما, انہوں نے کہا ہے کہ گکھر منڈی کو اگر وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنانا چاہیں تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ آپ سے گفتگو کریں, تو آپ کے کیا سجیشن ہوں گے اینڈ یو نو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ٹورسٹ اسپاٹ دو طریقے, ایک تو جنم باجوا تھا وہاں پہ رہنے والے, ان کو کہیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ کھول لیں, اور اس کے بعد میں بھی کافی برس کا ہوں, میرا بھی ننیال ہے, پیدا میں وہی ہوا تھا, تو میں ان کے برابر میں ایک ریسٹورینٹ کھول لوں گا, تو اس طرح پوری دنیا میں جناب شہرت ہو جائے گی گکھر منڈی سے, لوگ دور دور سے ہمارے ریسٹورینٹ آئے. اور اچھا اس کے علاوہ کئی لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں, اینڈ آف کورس آئی تھنک دس از کمپلیٹلی ایٹ یور ڈسکریشن, آپ نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا, لیکن آج کل کے جو مارننگ شوز ہیں, ڈو یو ہیو اے میسج فار دیم, اینی ایڈوائس فار دیم, کیا کوئی نصیحت کوئی پیغام ان کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے جنگل میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سارے, تو میں ان کو راستہ نہیں دکھا سکتا, مطلب وہ انہوں نے جان بوجھ کے وہ بھٹکے ہیں, اور میں اکثر ان میں کئی اچھے بھی ہیں. میں یہ ایک تو ان میں سب سے مائنس جو ہے نا پوائنٹ مائنس ہے, کیونکہ برابری ایک ہونی چاہیے صنفوں میں, یعنی خواتین اور مرد اینکر پرسن ان کے ایکول نمبر ہونے چاہیے, یا کم از کم وہاں پہ ہونے. مارننگ شوز میں جو پریزنٹ ہے از ہارڈلی اینی مین, وہ ایک آدھ جو ہے وہ بھی خواتین سے صحیح ملتا جلتا ہے, مطلب جو واضح طور پہ مرد کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پوری خواتین ڈائریکٹ بن گیا ہے مارننگ شو, اور جب میں جاتا ہوں تو وہ دلہنیں بن رہی ہوتی ہیں, لڑکیاں کہ بھائی پورا پاکستان جو اس کی شادیاں ہو رہی ہیں اور وہ بیٹھتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ,
उसमें कोई लिटरेचर नहीं है, कोई मौसीकी नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं तो वह माई मैं सिर्फ एक मैं कभी कभी हवाला देता हूँ, वो दुबई से शो करती थी एक क्या नाम था नादिया खान, वो क्या अच्छा शो करती थी। तो मेरी आदत है कि जब कभी मैं इस तरह कहीं पे मदद होता हूँ तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा तारुक ना करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो फिर अभी भी कभी तारुक होता है तो, और ख़ास तौर पर आखिर में वो कहते हैं कि ये किसी तारुक के मोहताज नहीं। अब जब मोहताज कहते हैं लगता है कि मैं अंदर से बैगर और मैंने हाथ में कुछ खोल पकड़ा हुआ और मैं कुछ मांग रहा हूँ मोहताज से बच्चे इमेज भी आती, तो प्लीज़ आप ये कीजिए कि भाई मतलब कि कह दें मेरा नाम दे दें कि वो साहब आए हैं आई होप यू, तो ये किया। लेकिन वो उन्होंने कुछ तो कह रहा था, तो उन्होंने कहा कहने लगी कि तशरीफ लाते हैं द फादर ऑफ ऑल मॉर्निंग शो। है तो वो मैं बैठ गया, तो मैंने कहा बीबी ये जो आपने कहा है फादर ऑफ ऑल मॉर्निंग शोज, तो ये मॉर्निंग शोज के इतने बच्चे भी इधर उधर घूमते तो है ना, इनमें शायद एक दो बच्चे मिले बाकी मेरे नहीं डॉक्टर का। तो कहने का मतलब ये है कि आप जानते ही हैं कैसे बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक उन्हें पसंद करती है वो पैकिंग पसंद करती है। एंड आई एम श्योर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मॉर्निंग शो, एक तो मेरी उम्र नहीं है मुझे सकत नहीं, और अगर होती भी तो मैं ना करता क्योंकि आई एम आउट ऑफ टाइम, वो मेरा टाइम था दैट वॉज माई ईरा एंड आई डोमिनेटेड द टेलीविजन सो दैट इज गुड नाउ। अब और लोग आए और उनका अपना हिसाब किताब है और लोग अब दूसरे चीज़ें पसंद करते हैं, तो इसलिए और मैं समझता हूँ कि ये पता होता है अगर मुझे वो मॉर्निंग शो पसंद नहीं है दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट गोइंग बैक, वो अपने तरीके पर। और एक्चुअली इससे मुझे याद आया कि अभी आप ये सेशन शुरू होने से पहले मेंशन कर रहे थे कि जियो ने रिसेंटली 3 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं जो कि एयर होंगे कुछ अरसे बाद। ये वो टाइम ना तो उन्होंने मैंने कहा कि ये कोई सीरीज है क्योंकि मैं सीरीज में नहीं आना चाहता कि पाकिस्तान के मुझे आपने कभी भी किसी ग्रुप डिस्कशन में नहीं देखा होगा जो पैनल पे बैठे होते हैं 3-4 बंदे एक्सपर्ट्स नीचे लिखा होता है सीनियर एनालिस्ट सीनियर दानिश्वर उन्होंने कभी उसमें इफ यू वांट मी तो मेरा अपना एक ओपिनियन है इंडिपेंडेंट मैं तो ना आना पसंद करूँगा। तो इसी तरह इनसे वो ही तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे बकौल उनके डिसग्री दे बगैर में फिक्शन में मेरा नाम जो है तो उन्होंने कहा कि हम खसूसी आपके करना चाहते हैं, तो उन्होंने 3 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए 5 मिनट की और होपफुली ये कोरोना है ना बशर्ते कोरोना ने कहने गई कि ईद के बाद वो होंगे तारनामा ठीक। और जो एक आई एम नॉट श्योर कि कहते हैं कि इसे क्या कई लोग इसे क्राइसिस कह रहे हैं, कई इसे पैंडेमिक कह रहे हैं, कई इसे अजाब इलाही कह रहे हैं, जिस ज़माने में हम इस वक्त रह रहे हैं, जिस तरह की चीज़ इस वक्त चल रही है, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि नंबर वन यू नो एक राइटर का विजन बहुत वसी होता है, इट इज़ जनरली नॉट बाउंड बाई टाइम, तो क्या आपने इस तरह की कैफियत कभी एक्सपीरियंस की है, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया शुरू में जिस तरह से अब लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, आइसोलेशन है और एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा है यू नो अपने प्यारों से भी, तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इस टाइम को प्रोडक्टिवली किस तरह यूज़ किया जा सकता है स्पेशली इफ़ यू आर क्रिएटिव इंडिविजुअल। मैं वो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी कि पूरा अर्ज जो है वो अफेक्टेड है, कोई आप आयरलैंड तक हैं जो मतलब है कि और एक मुसावात जो हो गई है इंसानों के दरमियान कि मतलब महमूद या फर्क कोई नहीं रहा,
कि अगर बीमार हो जाते हैं तो आप फौरी तौर पर हवाई जहाज पर बैठ के लंदन जाने नहीं चले जाते इलाज करवाने के लिए, वहाँ फ्लाइट नहीं जा रही, किधर जाए। तो एक ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग कि जो बराबरी है चीजों लोगों में नखबत या तकबर मेरा ख्याल है कम होगा, क्योंकि देखो रियलाइज उनकी हैसियत क्या है। अब वो जितने भी एटम बम और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं वो सारे चला लें अगर, तो वो कोरोना के एक मरीज को नहीं बचा सकते। तो ये कैसी बेबसी, ये उसको इंसान को मेरा ख्याल रियलाइज करवाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कह लो, क्योंकि सब कुछ उसकी तरफ से ही होता है कि आप क्योंकि पिछले दिनों और इन्हें वे देवर राइट ऑल्सो उन्होंने कहा जी के तो बस 40-50 साल है इंसान को मरने नहीं दे और उसका इतनी परफेक्ट हो जाएगी। या किसी ने कहा कि जी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ऐसे काम जो अल्लाह ताला के जिम्मे होते थे वो इंसान ने अपने जिम्मे दे। तो आई फील कि ये एक झटका था है आपको अपनी औकात में वापस ले जाने का कि आप हैं क्या। और अच्छा पता नहीं आपको आवाज आ रही या नहीं आ रही, ये बड़ी प्यारी आवाज एक आई है, मेरे ऊपर से जहाज गुजर रहा है और यकीन कीजिए कि मैं बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो चुका था। एक हफ्ता हो गया था, नहीं 15 दिन मैंने ऊपर से जहाज की आवाज देखी आ रही, ये बड़ी खुशी हुई है जहाज गुजर रहा। हाँ मैं जब बात ना करता हूँ तो मैं बाहर जाके उसको हेलो करता। अच्छा तो वो ये कि भाई इंसान को अपनी औकात का पता चल और वो नज़दीक हो रहा है कि भाई, और जिस तरह बोले शाह ने कहा था कि मैं जब शायरी की बात कर रहा था तो लिशा को पढ़िए कि माटी घोड़ा माटी सवार और मिलना है सब माटी इनसे। तो वो ये है कि हम मट्टी हैं ना, और मट्टी जो है वो तकबर में आ गई कि मैं पता नहीं क्या, और ये दुनिया जो है जो घोड़ा है जिसके ऊपर वो सवार है वो समझता है वो शाह सवार है वो भी मट्टी, तो दोनों मट्टी हैं, तो दिल आखिर उन्होंने मट्टी होना है। ये सिर्फ एक तो ये एहसास है। दूसरा ये कि जो ग्लोबल विलेज की बात की जाती है कल्चर के हवाले से, आज़ाद के हवाले से, बाकी खुराक के हवाले से, लेकिन कोरोना के साथ पहली मरतबा ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है वाज़े तौर पे सामने आया, लोगों ने कबूल कर लिया है कि पूरी दुनिया में चाहे वो चाइना में हो रहा है या ब्राज़ील में हो रहा है या कहीं भी कोई चीज़ हो रही है, हमारी कॉमन है प्रॉब्लम। हम एक दूसरे के साथ वह क्यूबन डॉक्टर्स जो हैं इटली पहुंच रहे हैं, क्यूबा जो आपको पता है कि वैसे पाकिस्तान भी आए थे, उधर चाइनीज पाकिस्तान में हैं, इटली भी गए हैं, स्पेन भी हैं, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है ना ह्यूमैनिटी के साथ ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। अल्लाह करे कि भाई ये जब खत्म हो, क्योंकि ये मैं आई एम नॉट अ प्रॉफिट ऑफ डूम आर एनीथिंग, इन माय हार्ट ऑफ हार्ट आई फील कि दुनिया कभी नॉर्मल नहीं होगी। अब ये कि जो पहले दुनिया की एग्जैक्टली वही होगी, उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। जिस तरह मतलब एक मामूली सी चीज़ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो मामूली इसलिए कह रहा हूँ कि वही यूरोप में दुनिया तो नहीं खड़ी थी, लेकिन उसके बाद कितना चेंज हुआ है के बारे में, बहुत सारी चीजें ये तो टोटली उससे भी बड़ी आफत से वो तो लोकल आफत है। तो ये सब जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आई थिंक बेटरमेंट ह्यूमैनिटी, लेकिन वही जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एग्जैक्टली वो दुनिया नहीं होगी। और मैं तो ये कोर्स ही कर रहा हूँ कि ये जो बहुत गेम्स होती थी और क्रिकेट मैच होते थे लाखों लोगों के साथ, वो शायद आने का 4-5 साल वो कम से कम 4-5 साल वो तो नहीं हो, हम घरों से बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बहुत सारी इस तरह की एक चीज है। दूसरा ये वही कि एक मुसलसल एहतियात लाजमी है, वो तो चप्पे मारना और मतलब है कि दाल चूमना और ये वो, ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, जब जाएंगे तब के दिन तो इनकी याद में होगी, मुझे न्याजी ने कहा था, तो इन दिनों को गुजर जाने दे तो मोहब्बत बाद में कर।
अच्छा बस दो आखिरी सवाल, क्योंकि ऑब्वियसली हम आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले चुके हैं, उसके बाद हम नज़म भी सुनना चाहेंगे। फवाद साहब पूछ रहे हैं कि एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट हिम, अ लॉट ऑफ पीपल डू वंडर दिस, कि आपके मुताबिक एक अच्छे लिखारी में क्या खसूसियत लाजमन होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो कौन से खित्ते में है, लेकिन बुनियादी तौर पे उसको अपनी जमीन से जुड़ा होना चाहिए, उसको अपने जोग्राफी का इल्म होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरी जो सरजमीन है इसमें कितने दरिया हैं, उनकी लंबाई कितनी है, उनमें नहरें कितनी हैं, उनके दुआबे कितने हैं, उसमें फसलें कितनी हैं। ये याशार कमाल जो है, मैंने अपने पौधे का नाम भी याशार लिखा है, उसने अपनी एक किताब में लिखा है, वो कहता है कि कोई भी राइटर बड़ा राइटर नहीं हो सकता कि जब तक, आगे जो उसकी मिसाल है, वो कहता है कि एक जंगल है, जंगल के दरमियान कोई पॉन्ड है, और पॉन्ड में जो कीड़े मकोड़े और मेंढक वगैरह रहते हैं, जब तक उनको भी नहीं ना जानता कि ये किस नस्ल के हैं और ये कैसे पैदा होते हैं, तो वो बड़ा राइटर नहीं हो सकता। तो बेसिकली यू हैव टू नो योर लैंड, जहाँ भी आप रहते, आप वहाँ पे नाइजीरिया में, तो अचीबे जो इतना बड़ा राइटर है, उसने ये किया, उसने वो वेस्टर्न सोच छोड़ के उसने टोटल नाइजेरियन, उसमें जादू भी है, उसमें चूने भी हैं, लोकल मज़हब भी हैं, जो सरजमीन जिस पे आप रहते हैं उसकी रिवायात क्या है, उसके लोकगीत क्या हैं, उनकी उमंगें क्या हैं, उसकी तारीख क्या है, आई थिंक यू शुड नो दैट। और उसके बाद जाहिर है कि आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और क्रिएटिविटी जो होती है वो थोड़ी बहुत तो अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है, लेकिन उसको डेवलप भी किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ जो है उसको डेवलप नहीं किया जा सकता, वो है नसीब। आप खुश नसीब होने चाहिए, और नसीब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, तो फिर आप एक अच्छे। वंडरफुल। और ऑफ कोर्स आई थिंक दिस माइट बी अ बिट डिफिकल्ट गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन शायद कुछ अरसे बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो सबसे अच्छा और शायद आसान तरीका क्या है? यही है, टेलीफोन वगैरह ही हो सकता है। अच्छा, इससे बिफोर आइंदा की आपने बात की, मैं एक और अल्टरनेट, 2-3 साल से मेरी कोई किताब नहीं आई थी, लेकिन काम हो रहा, एक तो ये दोनों किताबें आ गई, तरुण कदा कम्बोडिया और वियतनाम तेरे नाम, इसके अलावा 4-5 किताबें ऑलमोस्ट तैयार। वो संगेमील वाले भी अब जरा होश में आ जाए, हम सभी बेहोश है ना, हम अपने होश में तो नहीं, तो उसके बाद इंशाल्लाह उन पे काम शुरू होगा। एक किताब जो है वो तो लाहौर आवारगी का अगला हिस्सा है, उसका नाम है लाहौर दीवान। उसके बाद एक कॉलम्स की है कलेक्शन, उसके बाद क्यूबा का एक सफरनामा है, और एक जो है वो मुख्य सफर है पाकिस्तान की, उसमें तिला जोगिया भी है, सवाद भी है, ये सारी किताबें तैयार। और एक और ये, अब मैंने भी, मुझे फ़ोन आए हैं 5-6 दिन से, मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब से ये तन्हाई का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें जाहिर है कि वो जो कुछ हम पे गुजर रही थी उसको महसूस करते हुए, तो मैं मुख्तलिफ नोट्स ले रहा था, नॉर्मल नोट, दूसरा बातें मैंने यहाँ की हैं तन्हाई के बारे में, उसी के थी, और ईरान सड़कों के बारे में, और वो जो उज़्बेक शायर है का है कोई शायर खाली, अपना कुलचा खाली और शाम खाली, वो जो कैफियत है वो महसूस कर रहा था। तो मैंने शुरू किया है एक नावल एक्सरसाइज, उसका मुझे पता नहीं कि ये क्या होगा, यानी इसी कैफियत को बयान करने के, जो क्वारंटीन में मुझे से एक चस्प जो कुछ गुजरती है, जो उसका मुशाहिदा होता है, शायद ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना होगी, उसमें कोई करेक्टर नहीं होंगे, सिर्फ एक पूरा शख्स है जो बातें कर रहा है, लेकिन इसमें जो चैलेंजिंग चीज़ है
वो ये है कि आज तक जितने भी नॉवलेट लिखे या नावल लिखे, वो रफली आपके जहन में होता है कि ये मैं इसको इस तरह करके मोल्ड करके इस तरफ ले जाऊंगा, इसका अंजाम ऐसा होगा। ये तो हो जाता है कई मरतबा, जिस तरह बहाव का, कि मेरे जहन में था कि अभी 50 सफ़े मुझे और लिखने हैं, ये लिखना है। लेकिन एक ऐसा मोड आया है कि पारोशनी जो है वो टूट रही है दानों को, और उसकी दम दम की आवाज जो है वो पूरे गिराने में फैल रही है। एंड इमीडिएटली मेरे अंदर एक घंटी सी बजी कि नो, दिस इज दैट। ये बड़ा जरूरी होता है कि आपने कहाँ पे खत्म करना, और वो ही वो सही था। तो ये जो भी नावलेट मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है इसका नाम शहर खाली हो, या मतलब ऊंचा खाली हो, या जाम खाली हो, इसका चैलेंजिंग तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें मुझे कुछ पता नहीं कि इसका आखिर क्या होता, क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि हम कब तक इस कैद में रहते हैं, ये सिलसिला कब तक चलता है, तो उसको किस तरह मैंने इख्तिताम पे किस तरह पहुंचाना है, जब इख्तिताम जो है वो मेरे सामने ही नहीं। अब अगर मैं इख्तिताम का इंतजार अगर करूँ तो हो सकता है वो एक साल के बाद हो, हो सकता है 6 महीने के बाद हो। चुनाचे उस हवाले से अभी एंड आई स्टिल डोंट नो कैन मुमकिन है कि मैं 30-40 सफ़े लिख के उसको अबैंडन कर दूँ। एक दो चीज़ें मैंने अबैंडन पहले भी की, अगर वो आगे नहीं चलेंगी तो मैं वो नहीं चलूँ। तो ये 5-6 किताबें आ रही, और रेस्ट अश्योर्ड कि वो उतनी बुरी होंगी जितनी बुरी मैं पहले लिखता। एक्चुअली ये बड़ा अच्छा सेगवे हो जाएगा, आई नो दो सवाल थे, लेकिन ये बहुत लोग हमसे जनरली भी पूछ चुके हैं यू नो पर्सनल कॉन्वर्सेशन में, कि माशाल्लाह आप अभी भी वो जो क्रिएटिविटी है आपकी, हैज़ दैट चेंज्ड ओवर द इयर्स, और किस तरह से आप अभी भी माशाल्लाह से इतना रेगुलरली लिख रहे हैं, उसमें क्या डिसिप्लिन का रोल है, क्या क्रिएटिविटी का रोल है, इज़ दैट अ कॉम्बिनेशन? इसमें तो अल्लाह ताला की खास फजल का एक है, एक खास निगाह है मुझ पे, कि मुझमें जो सकत है, अव्वल तो ये है ना कि सकत है, अब उतनी नहीं रही। आगे मैं 4 घंटे बैठता था, अब मैं 2 घंटे बैठता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। 2 घंटे डेली? जी हाँ, कितना देर मैं बैठता हूँ। अच्छा, अब सिर्फ ये है कि ये मैंने पिछले दिनों, मेरा ख्याल वो जियो के इंटरव्यू में भी मैंने कहा है, इसी किस्म का सवाल हुआ कि इस फिनोमेना की मुझे नहीं समझ आ रही। मेरा जहन माशाल्लाह अब इतना जरखेज हो गया है कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में इतना जरखेज है, और वो जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरा ख्याल होता है कि मैं एक सफा लिखूंगा, और मैं 5 सफ़े लिख जाता हूँ और अभी भी पॉसिबिलिटीज उसमें है। चुनाचे ये वो जो है ना कि भाई आप बंजर हो जाते हैं या तो राइटर्स ब्लॉक, वो अभी माशाल्लाह मुझ में नहीं आया। इसकी क्या वजह है मैं आई कैनॉट मतलब डेफिनेटली से मैं उसी तरह ही लिख रहा हूँ और उसी तरह ही और अगेन मैं उतना ही इंजॉय करता हूँ। आप यकीन कीजिए कि इस उम्र में फिजिकल जितनी प्लेयर्स होती हैं, सेंसेशन होती हैं, वो तो खारिज हो जाती हैं, वो तो पजमुर्दा हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह मास आपका है जैसा है, लेकिन ये प्लेयर जो है ना कि जब आप लिख रहे हैं और अच्छा फिक्रा आपने लिखा है और वो चल रहा है जहाँ पे आप चलाना चाहते हैं वो चल रहा है, और यकदम उसमें एक नया रास्ता दरअसल से नजर आता है और वो आपके तसव्वुर में भी नहीं है ये रास्ता नजर। तो मुझे अब रास्ते इस किस्म के बहुत सारे नजर आने शुरू हो गए, और ये कब तक रहेगा? जब तक उसकी नजर आए। वंडरफुल। तो अभी आई मीन वी हैव टेकन सो मच ऑफ योर टाइम, तो हम अकेला बैठा हूँ, मुझे तो ऑडियंस मिल गया। बिल्कुल सही। तो हम डेफिनेटली वो नज़म सुनना चाहेंगे, क्योंकि सवालात को सिलसिला तो जारी है। इनफैक्ट कई लोग तो अब मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि आप हमारे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। लेकिन तो सवाल पूछ लें अगर आप, बहुत नॉटी किस्म के अगर हैं। नहीं, आई थिंक जनरली ये कोई मलिक साहब हैं, ये नाराज़ हो रहे हैं कि जी मुझे ये बताइए कि पास्कल लाहौर कब आएगी, ये बहुत इंसिस्टेंट है। लेकिन देखिए बात ये है,
मेरा सुमेर यहाँ बैठा हुआ, तो ये गया कैप्री जो छोटा आइलैंड है ना इटली में, बहुत खूबसूरत। तो अपने किसी दोस्त के साथ था, वो भी डिप्लोमेट था, तो वो भी मेरा पढ़ने वाला था। तो आगे से एक बुढ़िया उबड़ी, राइट अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही। तो उसने सुमेर से कहा कि सुमेर ये देखो, ये तार साहब भी पास कर चली आ रही। कहने का मतलब ये है कि इतना अरसा पहले है कि वो, मेरा ख्याल है कि भाई पेरिस के किसी अच्छे से कब्रिस्तान में दफन हो चुकी होगी। तो उसने कहाँ आना है। लेकिन ये जितने भी किरदार होते हैं, वो मोज़ेल हो मंटो का, या मतलब फिर बेदी की औरतें हों, ये कभी बचते नहीं हैं, ये इन किताबों में जिंदा रहते हैं। और आपको उनकी ओरिजिनल की तलाश नहीं करनी चाहिए, उन्हें उन किताबों में ही तलाश करना चाहिए। और एक और जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों ने किया, लेकिन इट्स अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, कि नंबर वन, सफ़रनामा जिस शक्ल में इस वक्त एग्जिस्ट करता है, हाउ डू यू सी दैट इवॉल्विंग? उसका मतलब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, वो किस तरह से आगे लिखा जाएगा, या क्या उसमें ऑलरेडी कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं जो कि शायद 20 बरस 30 बरस पहले नहीं थी? और दूसरा, देर परहैप्स रिलेटेड, हाउ इज़ टेक्नोलॉजी गोइंग टू अफेक्ट लिटरेचर क्रिएटिविटी, आप उसे किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली तमाम असनाफ की तरह सफरनामा भी वो जो है वो तब्दील हो रहा है। उसमें एक वादे, एक चीज मैं आपको बता, एक तो ये है कि जो रीडर है वो बहुत सियाना हो सकता है। एक जमाना था कि रीडर जो था वो राइटर से जरा कम दानिश रखता था, कम मुताला करता था, ना जो वो मुतासर बहुत होता था राइटर। अब ये है कि वो जो रीडर है पूरी दुनिया पे उसकी निगाह, अब वो डिमांडिंग हो गया, वो आगे चला गया राइटर उसके पीछे, और वो रीडर ये कहता है कि देखो भाई बात ये है कि अगर हमने तुम्हें पढ़ना ही है तो हम तुम्हें क्यों पढ़े, हम मार्किस को क्यों ना पढ़ लें, या मतलब के किसी और जयशाल कमाल को क्यों ना पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ें तो आप कम से कम उन जैसा तो लिखें। तो अब चैलेंज बड़ा हो गया पाकिस्तानी राइटर के लिए कि रीडर के पास मायार है, पहले उसके पास नहीं थे, आप ही मायार थे, आप अच्छे थे बुरे थे, आप बहुत अच्छे हैं, अब उसके पास मायार। चुनांचे इसी तरह ही जो सफरनामा, मैंने आज से 15 साल पहले अपना पैटर्न चेंज कर दिया। पहले मैं बहुत तफसील लिखता था, आप देखेंगे अजनबी में निकले थे क्लास में खाना में बेशुमार सारी घबराइए नहीं, ये वो वाली खांसी नहीं, अल्लाह भी आपको सेहत दे हमेशा। तो वो अब मैं कोई तारीख नहीं लिखता, मैं कोई तफसील नहीं लिखता, बुनियादी तौर पर आप सफरनामा एहसास की चीज़ है, किसी जगह पर पहुँच के आपको क्या महसूस होता है, ये ज़्यादा पर्सनलाइज हो। अब हर बंदे ने यूरोप देखा हुआ, हर बंदे ने अमेरिका देखा हुआ है, लेकिन हर बंदा जो है उसको मुख्तलिफ लेवल पर फील कर। तो अब कई मरतबा जब मुझे डिटेल की मतलब मुझे ज़रूरत होती किसी में, मतलब पिछले दिनों में केलियावाला गया था, जहाँ बड़े स्ट्रीट की बहुत बड़ी जंग हुई थी सिखों और अंग्रेज़ों के चलता, जिसमें सिख अपना अंग्रेज ऑलमोस्ट टारगेट है पूरा इंडिया करे। तो उसमें थोड़ा सा बयान करके वो उस जगह पे मैं गया था, तो मैंने ये लिखा था कि जंग की तफसील के लिए गूगल क्या करते थे, आई डेंट हैव टू राइट द होल डिटेल 5 पेजेस के फिलहाल पहुँच जाए, वो जाए गूगल पर देख लें। चुनाचे गूगल चाचा के पास जो कुछ है वो रिपीट करना बेवकूफ़ी, तो वहाँ पे आपके एहसास आ सकते, मतलब एक जंग का मैदान है, वहाँ मैंने क्या महसूस कि जिस तरह मतलब एक नंशा की नज़म जो है हम की आखिरी रात को याद आ जाती है, लाम लाचा है कि गाब गबरू है कि 22 बहारों में पले, और लाम लाचा है कि 2-3 दिन में गल सक जाए, वो जो हॉरर है ये जिस तरह घोड़े मर रहे हैं ये, वो उसको बयान करें, तारीख को नहीं किया। तारीख के लिए तो इस तरह ये सफरनामा जो है अपनी हैसियत जो है
बदल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करती। टेक्नोलॉजी को आप देखें ना, टॉल्स्टॉय के ज़माने में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना फ्रिज थे, ना गाड़ी, वो गाड़ियाँ तो थी लेकिन मोटर गाड़ी नहीं थी वगैरह वगैरह। तो इतने इतने बड़े नावल जो लिखे हैं वो तो टेक्नोलॉजी के बगैर लिखे हैं ना। अब अगर वो आज के ज़माने में पामुक आ जाता है तो टेक्नोलॉजी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जब म्यूजियम ऑफ इनोसेंस लिखता है तो सेंटिमेंट्स वही हैं जो वहाँ पे लिखता है या खुद लिखता है। टेक्नोलॉजी आपको कुछ नहीं करती क्योंकि ये इंसान का ज़ाती मामला है, अंदरून का मामला है। जहाँ तक ना टेक्नोलॉजी पहुँचती है ना साइंस पहुँचती है, कोई और वजदान की कहती है एक ऐसी है जो वहाँ से जन्म ले। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी जो रीडर है क्योंकि उसके पास मतलब क्या रीडर को डिस्ट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि जी अब और इतनी चीज़ें हैं जो कि उसके अटेंशन मांगती हैं। तो उसी उसी तरह कंपटीशन ज्यादा, अपने आप को राइटर को केपेबल बनाना चाहिए कि मैं वो अट्रैक्ट कर लूँ। यही तो चैलेंज है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर एक बंदा जाके किसी की किताब खरीदता है, दैट मीन्स कि उस बंदे में जान है कि उसने तमाम चीज़ों को तर्क करके किताब, तो ये राइटर के लिए है। तो उसमें कोई और ये किताब देखे ना, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेरी किताबें भी कई लीगली चली गई हैं, इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं सॉरी, वो जो चली जाती है कंप्यूटर पे, क्या कहते हैं? अच्छा, वो जो कई लोग पायरेट करके ऑनलाइन डाल देते हैं, मतलब आई थिंक दैट इज क्रिमिनल। राइट, अगर आप उसको कंप्यूटर पर पढ़ेंगे तो मेरे घर का खर्चा कहाँ से निकलेगा? संगे मील वाले मुझे रॉयल्टी कहाँ से देंगे? तो मुझसे ही तरस खाई और मेरी किताबें इस तरह गैर कानूनी तौर पर PDF पे ना चलाई। लेकिन आप कैंडल आप ले लेते हैं, बाकी दुनिया की हजारों किताबें हैं जो आप कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो अगर आप वो भी पढ़ रहे हैं तो आप किताब ही पढ़ रहे हैं। मेरी ये डिमांड नहीं है कि आप जरूर यूं करके मतलब ये जो है किताब इस तरह की करके यूं पढ़े तो मैं कहूँगी कि आप किताब पढ़ते हैं, नहीं। आप उसको कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं, किसी और फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ऑडियो भी आ गई है सारी। तो इसलिए आप किसी भी सूरत में पढ़ें तो आप किताब पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। कहते हैं आई थिंक अगेन वो सवाल तो चलते रहेंगे, तो हम वो नज़म ज़रूर सुनना चाहेंगे और अगर बाकी उसके बाद और सवाल आते रहे तो आई ट्राई माई बेस्ट कि वो भी पूछे जा सके। अच्छा, वो एक्चुअली मेरा ये नज़म पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। ये है अपना रीडर्स वर्ल्ड की क्या मीना, उन्होंने आग ही भेजी। गुलजार आप जानते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त ही हैं, मैं उनको एडमायर भी बहुत करता हूँ। उन्होंने मेरा एक अफसाना था बाबूसी में भी लिखी थी, बल्कि सोम सो के मेरा बेटा सुनाया रहा इसकी ड्राइंग का भी बड़े मौके पर। अनफॉर्चुनेटली जो भी जमाने होते हैं, और वो आखिरी एक क्षमा है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए, उससे पेशतर जो लोग कुलदीप नायर जैसे लोग थे जिन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब की नहीं दी लाहौर प्रेस क्लब बन गए, दैट इज फॉर एवर। मैं पाकिस्तान जो भी यही कहते थे, आपको पता कि ये मेरा मुल्क है, वतन मेरा वही, मेरी डाक वहीं पर दफन की जाए, हरियाली में की जाए। तो ये चंद एक लोग हैं जो एक बड़ा नजरिया रखते हैं, बड़े दिल वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। इसलिए मैं गुजरात को भी ज्यादा एडमायर करता हूँ और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो उनकी भी से, बल्कि पिछली मरतबा फ़ोन पे जब आप बात हो रही थी उनकी बर्थडे थी, मुझे याद नहीं, मुझे मेरे हर 5-6 साल बड़े होंगे की उम्र। तो मैंने उन्हें कहा गुलजार साहब आप चलते हैं, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप जितनी दूर जाएंगे मैं भी उतनी दूर जाऊँ। तो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो वो नज़म क्योंकि मुझे यूँ लगा जैसे कि भाई, क्योंकि मैंने नहीं ये पढ़ी कि ये जिस तरह कहते हैं ना, आज के हवाले से एक तो वही पश्चिम जो बड़ी शहर खाली वगैरह, और इसी तरह एक इरफान सदीकी की नज़म बहुत स्ट्रॉन्ग है एग्जैक्टली इसी हवाले से।
किताबों में प्लेग है कहानियों की जो लोगों को पढ़नी चाहिए, और वो यही डिस्क्रिप्शन है जो कुछ हो रहा है, या लव इन द टाइम ऑफ फॉलर जो है, एक दो किताबें और है। तो बहरहाल ये गुजरात की पुरानी नज़म है और लिखा हुआ है कि बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या, बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, और सबको मालूम है बाहर की हवा काफी है। कितना ऐप सबको मालूम है बाहर की हवा काफिल है, यूं ही काफिल से उलझने की जरूरत क्या है। और कहते हैं कि जिंदगी एक नेमत है इसे संभाल के रख, जिंदगी एक नेमत है इसे संभाल के रख, कब्रिस्तानों को सजाने की जरूरत क्या है। और मक्का है कि दिल के बहलाने को घर में वजह काफी, दिल के बहलाने को घर में वजह काफी है, यूं ही गर्मियों में भटकने की जरूरत क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बात है तो मैं हाजिर मतलब से अगर आप 15-20 दिन के बाद दोबारा आए तो लेट्स होप कि हम कहीं और मिले। Yeah.